हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो एंड मेरा नाम है मंत्रिवेदी और इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2023 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको तो हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कवर कर लिए थे अब हम बात करने वाले हैं एरर करेक्शन के क्वेश्चंस ठीक है तो जिसमें करेक्शन का काम होता है उनका हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं तो शुरू करते हैं आ, पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है सेलिंग परचेजिंग एंड यूजिंग एन इन कॉपीड प्रोडक्ट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस तो आपको ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें से इसको रिप्लेस करना है ठीक है तो ये एक तरीके का कैसा सेंटेंस uh, हो गया वन वर्ड सब्सटिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया लिखा हुआ है एन आउटलॉड अ पायरेटेड अ क्रूड और एन ऑब्सोलेट ऑब्सोलेट का मतलब होता है विच इज नॉट इन यूज विच इज नॉट इन यूज ऑब्सोलेट हो गया है मतलब अब प्रचलन में नहीं है वो प्राचीन हो गया आर्काइक हो गया है crude मतलब जैसे क्रूक है वो एक तरीके से ठगा हुआ उस प्रकार से होता है आउटलॉड भी नहीं होगा कह रहे इन लीगली कॉपरीड है तो क्या है इसको हम एक और वर्ड होता है प्लेजराइज तो पे प्लेजराइज भी कर सकते हैं और पायरेटेड भी कर सकते हैं तो सेलिंग परचेजिंग एंड यूजिंग एन इलीगली कॉपीड प्रोडक्ट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस तो आप यहां पे पायरेटेड भी लिख सकते हो पायरेटेड कॉपी को लिए भी पायरेटेड का प्रयोग हो सकता है यहां पे पायरेटेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी पायरेटेड आ सकता है ठीक है पायरेटेड का प्रयोग भी हो सकता है अगला कहता है एंड्रू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट तो अभी हमने जो जितने भी तीन वीडियोस हमने करे उनमें आपने पढ़ा कि हमने क्या बताया आपको मैंने आपको यह बताया कि विल या फिर शैल के साथ में क्या आता है आपको पता है विल या शैल के साथ में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यदि आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी भी है तो आप यहां लगाओगे बी और यहां लगाओगे विल या फिर शैल ठीक है तो यहां पर आ जाएगा अच्छा अगर आपको प्रेजेंट में लिखना है तो इज प्लेड एंड्रियो इज प्लेड नहीं लिख सकते हो क्योंकि एंड्रू ने ही खेला है तो एंड्रू एक्टिव सब्जेक्ट है यानी कि वाक के एक्टिव वॉइस में है तो ये इज प्लेड या आर प्ले नहीं हो सकता आर प्ले नहीं हो सकता क्योंकि एंड्रय सिंगुलर है आंसर आ जाएगा इज प्लेइंग सो एंड्रू इज प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज ठीक है एंड्रू इज प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट अगला क्वेश्चन कहता है प्रोफेसर सेड दैट आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर क्या होगा सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़े रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच किसमें होगी पास्ट में तो यहां विल की जगह क्या आ जाएगा वुड ठीक है तो यहां पर आ जाएगा वुड भी So professor said that I would be late for the lecture. Not he will be late for the lecture. So professor said that he would be late for the lecture. बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ करेक्ट नहीं होता है. Next. पढ़िए इस सवाल को ध्यान से एक पढ़िए. Iraq was governed by autocracy when Saddam Hussein was the president. क्या होगा? आपको ऑटोक्रेसी का एक प्रकार से मीनिंग बताना है ठीक है ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है तानाशाही ऑटोक्रेसी मतलब हो जाता है तानाशाही मतलब तानाशाही कह रहा है कॉमन पीपल नहीं वेल्दी क्लास नहीं किंग एंड हिज आयर नहीं ध्यान दीजिए ये हायर लिखा है इसे आप आयर पढ़ोगे ठीक है इसीलिए इसके पहले एन आयर लगता है आयर नहीं पढ़ोगे ध्यान दीजिएगा ठीक है

स्टिल फार्दर बैक इंटू बाबरिज्म फार्दर बैक इंटू बाबरिज्म देखिए फार का मतलब होता है आपका डिस्टेंस से डिस्टेंट दूर है कुछ तो उसके लिए फार यूज करते हो फार की कंपेरेटिव डिग्री होती है फार्दर और सुपरलेटिव डिग्री होती है फारद ठीक है फार की कंपेरिटिव डिग्री फर्दर भी होती है ठीक है या फिर फर्देस्ट भी हो सकती है फर्दर का मतलब होता है व्हाट इज द फर्देस्ट फर्दर नोटिस अगली नोटिस क्या आई है फर्दर मतलब नेक्स्ट के सेंस में यूज होता है और फार्दर होता है डिस्टेंस के सेंस आपने यहां लिखा है फार्दर बैक इनटू टेररिज्म फार्दर बैक फार्दर मतलब क्या डिस्टेंस की बात हो रही है यहां पर मुंबई इज फार्दर फ्रॉम मुंबई इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन पुणे तो यहां हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे फार्दर सही है लेकिन क्या यहां पे फार्दर सही है नहीं इट विल बी विद ऑल दियर लिटिल कंफर्ट्स डिस्ट्रॉयड द सर्वाइवर्स फॉर थ्रोन स्टिल फर्दर बैक इनटू टेररिज्म हो जाएगा फर्दर होगा फार्दर नहीं हो सकता ठीक यानी नो इंप्रूवमेंट तो गलत है आ लिटिल फार्दर इन अगेन फार्दर नहीं होगा फर्दर बैक फॉर बैरिज्म नहीं होगा आंसर हो जाएगा हमारा स्टिल फर्दर बैक इन टू बाबरिज्म मतलब अत्याचार के सेंस में ही प्रयोग होगा ठीक okay. है He said that I have finished my work. क्या आंसर होगा He said that I have finished my work. हमने अभी पढ़ा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही होगी तो हैव की जगह क्या हो जाएगा हैड होगा हैज नहीं होगा वॉज नहीं होगा Had finished his work, had finished my work. आपने सब्जेक्ट आय लिखा हुआ है तो आय के लिए आप माई का ही प्रयोग करोगे हिज का प्रयोग नहीं करोगे आप नरेशन नहीं बना रहे हो जो तुम आय के हिसाब से उसको चेंज कर दो नहीं आपको इंप्रूवमेंट करना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दिया होता नरेशन का क्वेश्चन होता तो आप इसके प्रोनाउंस चेंज करते वो आप नहीं करोगे आंसर हो जाएगा एक सेकेंड ही सेट दैट देखो ये क्वेश्चन में uh, अच्छा क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा गलत है अगर इस तरीके से ये दे रहे हैं तो आपको इन्होंने पूरा ही अंडरलाइन कर रखा है ठीक है ठीक है आप ही जाएगा। बट बेसिकली अगर अगर ये इस तरीके का सवाल पूछना चाह रहे थे तो इन्हें इस तरीके लिखना चाहिए था सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई फिनिश्ड माय वर्क अब आप अगर इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाओगे तब आप लिख देते ही सेट दैट ही आई सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव केस को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो ये हो जाता है ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ये सही तरीका था लेकिन यहां पर इन्होंने थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दी इन्होंने लिखा कि आई अब अब अगर आप इसे चेंज करना चाह रहे थे तो फिर सिंपली ग्रामर चेंज करने के हिसाब से सा तो यही हो जाता आई हैड फिनिश माई वर्क बट ठीक है उन्होंने ये आंसर दिया है तो उस हिसाब से ले सकते हो बट अदरवाइज जनरली हम ज्यादा प्रोनाउंस वगैरह में छेड़छाड़ नहीं करते हैं ठीक है आंसर यहाँ पर थर्ड दे दिया है ये भी ठीक हो सकता है कोई दिक्कत है नहीं ऐसी लिखा है इट इज ट्रू दैट मेरा पॉइंट ये है कि जब नरेशन का क्वेश्चन होता तब हम प्रोनाउन में चेंज करते अभी क्या था सिर्फ टेंस चेंज करके हम वाक्य खत्म कर सकते थे लिखा है इट इज ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल्स टू सर्वाइव्ड द नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स सिंपल पता है आपको टू के साथ क्या आता है फर्स्ट तो so, क्या आएगा टू सरवाइव ठीक है फॉर सर्वाइविंग ओके हैविंग टू सरवाइव इट इज ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश इज इसशियल फॉर प्रोफेशनल्स टू सर टू सरवाइव नहीं होगा पहली बात तो सर्वाइव्ड नहीं होगा तो यह नहीं होगा ठीक है भी

ठीक है तो इट इज ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल्स फॉर सर्वाइविंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल ठीक ओल्डर ब्रदर्स वर क्वाइट विलिंग दैट ही शुड वेंट टू सी आपको पता है शुड के साथ में आप किसका प्रयोग करते हो शुड के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हो तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ये सब कुछ नहीं होगा आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ तो हिज ओल्डर ब्रदर्स वर क्वाइट विलिंग द एनर्जेटिक किटन इज प्लेफुल आफ्टर है एनर्जेटिक आप यहाँ पर लिख रहे हो किटन और यहां पर आपने लिखा है हिज मैंने आपको बताया है एनिमल के साथ में आप यूज करते हो इसके लिए जब पॉजिटिव केस यूज होता है तो आप हमेशा प्रोनाउन यूज करोगे इट इट्स का ही प्रयोग करते हो ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल हम अगर हमें लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे काव इज इज वेलकमिंग या का इज लिकिंग इट्स का ठीक है काउ इज लेकिंग इट्स काफ करेक्ट काउ इज लेकिन इट्स काफ ठीक है अब यहां पर क्या है आपने इट्स का प्रयोग किया काउ के लिए ठीक है एनिमल्स के केस में आप कई बार ही या फिर हिज का प्रयोग कर सकते हो या शी या फिर हर का प्रयोग कर सकते हो ओनली वेन यू वॉन्ट टू स्पेसिफाई द जेंडर तो अब मेरे पास डाउट अक्सर आते हैं ये कि सर यहाँ पे काउ तो फीमेल है आपको पता है ऑक्स मेल है काउ फीमेल है तो फिर यहां पर आपने इट्स क्यों लिखा आपने हर क्यों नहीं लिखा देखो जब मुझे उसके जेंडर को स्पेसिफाई करना होगा मैं चाहूंगा कि मुझे उसके जेंडर पे फोकस करना है ओनली देन आई यूज ही और हिज और हर और शी अदरवाइज वी डू नॉट यूज ही और हर और शी और हर बात समझे तो जब मुझे जेंडर पे इंफोसिस करना होगा अभी यहां इंफोसाइज नहीं करना था तो मैंने नहीं लिखा काफ सही है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब इस सवाल में देखो ऑप्शंस में नो इंप्रूवमेंट दिया नहीं है आपको इट में से ही कुछ लगाना है तो ध्यान दीजिए इट का जो पॉजिटिव केस होता है वो होता है इट्स और ये जो होता है इट के साथ में ये अपोस्ट्रोफे लग के जो एस लगता है इसका मतलब होता है इट इज इट वॉज इट हैज जू मीनिंग निकलना ठीक है तो यहां पर जो हो जाएगा इट इज इट नहीं होगा इट इ नहीं होगा फर्स्ट सो द एनर्जेटिक आ गई मैनी ग्रेट पीपल बोर्न इन दैट स्मॉल विलेज मैनी ग्रेट पीपल बोर्न इन दैट स्मॉल विलेज ठीक है आपने यहां क्या लिखा है बहुत सारे जो महान लोग हैं वो उस गांव में जन्मे हैं बहुत से महान लोग उस गांव में जन्मे हैं आप ये लिखना चाह रहे हो कि बहुत से महान लोग उस गांव में जन्मे हैं तो एक बात समझिए आपने लिखा मैनी ग्रेट पीपल बॉर्न इन आप क्या लिख रहे हो बॉर्न मैनी पीपल प्लूरल है बॉर्न आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है अब प्रेजेंट इंडेफिनिट किस बात को एक्सप्रेस करता है कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो कोई ऐसी बात जो कभी बदले नहीं जो चीजें चेंज नहीं होती हैं, उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज होता है ठीक है सार्वभौमिक सत्य टाइप का ये कोई सत्य नहीं है ये एक फैक्ट बता रहे हो अबाउट दिस स्मॉल विलेज कि बहुत से महान लोगों ने उस गांव में जन्म लिया है इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दे रहा है करेक्ट यदि ऐसा है तो आप इसमें सिर्फ बॉन्ड की जगह लिखोगे वर बॉन्न प्रयोग करोगे पास्ट इंडेफिनिट में ही इस वाक्य को हमें लिखना ही होगा और पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से आप इसे वर्ब बॉर्न लगाना पड़ेगा सो मैनी ग्रेट पीपल वो इन दैट स्मॉल द पेंडेमिक हैज चैलेंज एजुकेशन सिस्टम्स टू एंश्योर लर्निंग कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग द डिमांड्स प्लेस्ड ऑन टीचर्स बताइए क्या होगा वॉट इज द करेक्ट आंसर द हैज पैंडेमिकैलेंज एजुकेशन सिस्टम टू एंश्योर लर्निंग कंटिन्यूटी सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग द डिमांड्स प्लेस ऑन टीचर्स व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन देखो द uh, पैंडेमिक ने चैलेंज किया किसको एजुकेशन सिस्टम्स को किसके लिए टू एंश्योर टू के साथ में आपने लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यह सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है टू इंश्योर लगाने में टू इंश्योरिंग नहीं हो सकता फॉर इंश्योर नहीं हो सकता इन इंश्योर नहीं हो सकता आंसर हमारा सही लिखा हुआ है आंसर हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ठीक है सही लिखा है आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पियर प्रेशर इज बाउंड टू इफेक्ट मोस्ट ऑफ अस बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली तो टू के साथ में आप क्या लगाते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इफेक्ट क्या होता है इफेक्ट होता है नाउन और एफेक्ट क्या होता है एफेक्ट होता है वर्ब तो so, यहां पर इफेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा एफेक्ट ठीक है सो इट विल बी एफेक्ट सो द पीयर प्रेशर इज बाउंड टू एफेक्ट मोस्ट ऑफ अस बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली सो द आंसर इज सेकेंड टू एफेक्ट मोस्ट ऑफ अस इज करेक्ट ठीक कोई आगे बढ़ते Jack, being the wiser and bolder among the two of us, took the lead, carrying the axe on his shoulder. Jack, the wiser, the being the wiser and bolder among the two of us. Among the two of us. हमने सिमिलर क्वेश्चन किया था एरर का डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया बिटवीन का प्रयोग आप करते हो जब आप दो की बात करते हो अमंग का प्रयोग आप करते हो जब आप दो से अधिक की बात करते हो यहां पर आप टू अस लिख रहे हो तो अमंग की जगह क्या आएगा बिटवीन ठीक है दो so be, तो लोगों की बात है तो कंपेरेटिव डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है कंपेरेटिव डिग्री का ही प्रयोग हम करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं द इंटरप्रिट ग्रुप ऑफ एडवेंचर्स क्लाइंट द माउंटेन डेस्पाइट ऑफ बैड वेदर एंड रोडर्स सिमिलर क्वेश्चन हमने एर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन में किया था आप इंसपाइट ऑफ का प्रयोग करते हो और डेस्पाइट का प्रयोग करते हो ठीक है इंस्पाइट के साथ में ऑफ लगाते हो डेस्पाइट का साथ ऑफ नहीं लगाते हो तो डेस्पाइट ऑफ नहीं होगा क्या हो जाएगा इंस्पाइट ठीक है, करेक्ट सॉरी एक सेकेंड इंसपाइट के साथ ऑफ लगाते हो तो ऑफ तो यहां है नहीं, answer despite हो जाएगा. Despite off लिखना गलत है. दोनों मीनिंग वही होता है कि बैड वेदर के बावजूद क्लाइम द माउंटेन डिस्पाइट बैड वेदर एंड आंसर इज फर्स्ट ठीक है नेक्स्ट द एयरप्लेन प्लीन फ्लोड ओवर द माउंटेन्स ऑफरिंग द पैसेंजर्स अग व्यू ऑफ द मैजेस्टिक पीक बिलो देखिए द माउंटेन्स फ्लोड ओवर द माउंटेन्सरिंग द पैसेंजर्स अ ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द मेजेस्टिक पीक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बताइए इसका जवाब फ्लोड अब ओवर फ्लू बियॉन्ड फ्लोड बियॉन्ड अच्छा है लेकिन ऑप्शंस बहुत ही मतलब बेसिक हैं इस वजह से आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो देखो सेकेंड जो फॉर्म होती है फ्लो की वो होती है flu, और भी होती है। होती है। है जैसे एयर फ्लोड एयर जो फ्लो हो रही है उस सेंस में फ्लोट हो जाएगा वाटर फ्लोड हो जाएगा जब हवाई जहाज उड़ेगा तो फ्लू होता है हवाई जहाज के सेंस में फ्लू होता है तो ये फ्लोड वाले ऑप्शंस तो पहले ही गलत हो जाते हैं हमारे तो जो डाउट था ओवर ऑल अब खत्म हो जाता है हमारा ठीक बच्चा नहीं क्योंकि पहाड़ों के ऊपर उड़ रहे हो तो बियॉन्ड के पहाड़ों के पार थोड़ी उड़ रहे हो पहाड़ों के ऊपर उड़ रहे हो ना तो फ्लू ओवर आएगा खत्म बात हो जाती है यहाँ पे भाई अब आएगा नहीं क्योंकि फ्लोड नहीं है फ्लोड पानी के लिए हो सकता है हवा के लिए हो सकता है हवाई जहाज के लिए फ्लू होगा ठीक है तो भैया फ्लू ओवर आएगा खत्म बात हो जाती है हमारी अगले सवाल पर आते हैं दे वुड फाइंड वैगन बैक क्रॉस द डेजर्ट क्या होगा किस चीज के लिए find कर लेंगे? टू ड्राइव इन नहीं होगा द लगा हुआ है तो दा भी रहेगा टू ड्राइव द वैगन अक्रॉस द डेजर्ट द वैगन बैक अक्रॉस द डेजर्ट ठीक है मोहन अनोइंगली ऑल्टर्ड salt instead of sugar to the dessert, making it taste terrible. So, altered का मतलब होता है आप गलती से चीनी की जगह पे नमक डाल दिया तो ये चेंज नहीं किया है गलती से डाला है ऑल्टर्ड तो, तो नहीं होगा अब्रिज मतलब होता है किसी चीज को कट करके छोटा करना तो ये भी नहीं होगा एंग्विस्ड सॉल्ट नहीं होगा क्योंकि मतलब परेशानी होता है एम्पलीफाई किसी चीज को तेज करना वो भी नहीं मेकिंग इट टेस्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट ठीक है डिड ही फिनिस्ड हिज एग्जामिनेशन देन ही लेफ्ट फॉर हिज क्रिकेट ट्रेनिंग क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर तो आपको पता है यदि वाक्य में डिड का प्रयोग हुआ है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं नंबर एक नंबर दो नो सूनर के साथ में आता है देन, और यदि में आया है, तो इनवर्जन का प्रयोग होगा सारी बातें क्लियर है तो डिड दिड़ यदि आया है तो फिनिश की जगह पे क्या आ जाएगा फिनिश खत्म हो जाती है बात तो यहाँ पर नो सूनर डिड ही फिनिश नो ही फिनिश आंसर तो हो जाएगा हमारा कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें ठीक है पोल्यूटेड वॉटर्स ऑफ यमुना है वो काफी ज्यादा वरीड है सीरियसली वरीड है किसके बारे में अबाउट द वॉर्निंग अबाउट द वॉर्निंग टू दिविक अब देखो यहां पर वार्निंग टू सिविक हेल्थ पोस्ड बाई

रीड वाई अबाउट दू सिविक खतरा जो सिविक हेल्थ के लिए पोज कर रहा है उसके बारे में peril, peril, हाम, होता है, वो नहीं होगा नोटिस नहीं होगा प्लेग ये सब नहीं होगा आंसर हमारा थर्ड ही होगा ठीक है ट्वेंटी फूड वॉज टू सोल्टी ईट दिस मॉर्निंग आपने यहां लिखा है टू सोल्टी टू के साथ में क्या आता है टू टू ठीक है, टू ईट दिस मॉर्निंग नहीं आएगा इट ईट ठीक मॉर्निंग इज करेक्ट ना कि टू सॉल्टी ईट ठीक है टू के साथ में टू का यूज होता राम्याज शूज आर पॉलिश बाय हर ग्रैंड डॉटर राम्याज शूज सब्जेक्ट हो गया

तो राम्या शूज आर पॉलिस्ड बाय हर ग्रैंड डॉटर ना कि आर पॉलिश ठीक है सो रामया शूज आर पॉलिस्ड बाय हर ग्रैंड डॉटर शी विल हैंडलिंग द बेबी एज टेंडरली एज पॉसिबल शी विल हैंडल हैंडलिंग द बेबी एज टेंडरली एज पॉसिबल विल के साथ में मैंने आपको क्या बताया वर्क की फर्स्ट फॉर्म सिंपल हैंडल्ड नहीं हो सकता विल्थ नहीं हो सकता शैल हैंडल्स नहीं हो सकता आंसर इज फोर्थ विल हैंडल द बेबी एज टेंडरली एज पॉसिबल ईल हैंडल द बेबी एज टेंडरली एज पॉसिबल ठीक आगे बढ़ते हैं यू आर ऑलवेज ट्राई विद जंप ओवर द वॉल तो आप क्या करते हो वॉल के ऊपर जंप करने की कोशिश करते हो तो यू आर ऑलवेज की जगह क्या आएगा साथ क्या आएगा यू आर ऑलवेज ट्राइंग क्या के काहे के लिए टू जंप you are always trying to jump होगा, huh? try trying to jump होगा, try to jump नहीं हो सकता क्योंकि r लगा है तो r के साथ में ing फॉर्म ही आएगी ठीक है अब अब थर्ड आएगी वो है नहीं ठीक है tried with jump नहीं होता tried के साथ में to ही आएगा तो आंसर हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट हो जाएगा हमारा ठीक है trying to jump हो जाएगा ओके टू प्रिपेयरिंग द वाइन फ्रॉम प्लॉ फॉर प्लांट इट शुड बी कट बैक टू 2 फीट तो के साथ क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू तो प्रिपेयर होगा टू तो प्रिपेयर नहीं हो सकता प्रिपेयर नहीं हो सकता टू तो प्रिपेयर अ वाइन भाई कोई एक पर्टिकुलर इन जनरल वाइन थोड़ी है पहली बात दूसरी बात कि वाइन मटेरियल नाउन है इसके साथ में आर्टिकल ए नहीं आ सकता ठीक है ए हटा दीजिए टू तो प्रिपेयर द वाइन फॉर प्लांट हो जाएगा ठीक है आंसर हो जाएगा फॉर प्लांटिंग टू तो प्रिपेयर द वाइन फॉर प्लांटिंग इट शुड बी कट बैक टू तो टू फिट ठीक है यहाँ पे वो मटेरियल नाउन वाला वाइन का सेंस नहीं है

उसने फेमस पोएट के बारे में लिखने के बारे में प्रपोज किया तो क्या होगा बायोग्राफी ठीक है सो शी प्रपोज टू राइट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द फेमस शी प्रपोज्ड टू राइट बायोग्राफी ऑफ द फ़ूड बाउल आर वॉज एमटी तो मऊ मिया इनसेसेंटलीज ओनर फाइनली फील्ड विथ फ्रेश केबल अब देखो एक बात यहां पर वो कैट जे, के जेंडर पे एम्पोसाइज करना चाहता था ऑथर तो उसने ही लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है उसमें ठीक अब क्या है कैट का फूड बाउल कैट पर्टिकुलर कैट है तो कैट अट कैट नहीं होगा उसके फूड बाउल तो कैट के साथ में क्या लगाओगे हो एस तो ऑफेस कहां ऑफे लगा यहां पर यह नहीं होगा आंसर हो जाएगा थर्ड तो द कैट फूड बाउल वॉज एम्प्टी सो ही मियाउड इनसेसेंटली फाइनली फ्ड इट विद फ्रैश किबल ठीक है दे आर सेल दियर कंपनीज प्रोडक्ट टू पीपल दे आर सेल आर के साथ में क्या आएगा वर्ब की आई एन जी फॉर्म ठीक है तो इज सेलिंग नहीं होगा वॉज सेल, सेल, सेल नहीं होगा आर सेल नहीं होगा आंसर हो जाएगा फोर्थ दे आर सेलिंग दियर कंपनीज प्रोडक्ट टू पीपल दे आर सेल नहीं दे आर सेलिंग They are selling their company's products to people will be correct Okay? Virtual reality is the creation of a virtual environment presented to our senses in such a way that we experience it as if, were, if we were really there. Virtual reality? It's a creation or creation of a virtual environment presented to our senses in such a way.

Met. When Rajesh was going to college, he met with an accident. Okay. Larger emissions of greenhouse gases lead to higher concentrations in the atmosphere. Okay. Larger emissions of greenhouse gases lead to higher contraction contraction. Contract, सरी कंसंट्रेशंस ऑफ दिन कंसंट्रेशंस इन द एटमॉस्फेयर बताइए क्या होगा सही जवाब इसका ये क्या है एक फैक्ट है साइंटिफिक फैक्ट है इज नॉट गोइंग टू चेंज तो आंसर जो है वो सही है क्योंकि वाक्य जो लिखा गया है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा गया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यह वाक्य बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है दोनों तो दिक्कत नहीं है अपोलोजाइज इन हर साइलेंटली देखो ये तो अपोलोजा नहीं होगा इन हर नहीं होगा क्या होगा टू हर ही अपोलोजाइज्ड टू हर साइलेंटली बिफोर ही पुस्ट डीपर इन टू हर थॉटाइज्ड टू हर साइलेंटली बिफोर ही पुस्ट डीपर इन टू हर थॉट फ्रांस इज अ लार्जेस्ट कंट्री तो आपने अंडरलाइन किया है लार्जेस्ट कंट्री लार्जेस्ट क्या किसी का आप कंपेरिजन कर रहे हो इससे नहीं आप एक फैक्ट बता रहे हो कि एक बड़ा देश है उसके लिए लार्जेस्ट नहीं आएगा क्या आएगा लार्ज कंट्री ठीक है स्मॉलर स्मॉलेस्ट नहीं आएगा लार्ज बताने की कोशिश कर रहा है तो लार्ज ही बताओ फ्रांस इज अ लार्ज कंट्री नो सुनर है सनराइज एन ओवर द होराइजन When the birds to chirp and the बर्ड्स started टू चर्प around टू स्कैम्पर अराउंड आपने वाक्य में क्या प्रयोग किया है नो सूनर यदि वाक्य में नो सूनर का प्रयोग होता है तो आप लगाते हो देन ठीक यहां पे वेन नहीं होगा वेन नहीं होगा ठीक देन आएगा दैन।

क्स्ट थर्टी फोर आई कंसिडर्ड जियोग्राफी एज एन ईजियर सब्जेक्ट आई कंसिडर्ड जियोग्राफी एज एन ईजियर सब्जेक्ट अब आप इजियर लिख रहे हो ईजियर क्या है कंपेरेटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग कंपेरिजन के लिए होता है दो चीजों में वो यहाँ पर हो नहीं रहा है तो सिंपली आप पॉजिटिव डिग्री में बात लिखोगे तो ईजियर ईजियस्ट नहीं होगा एन लॉन लगा हुआ है तो एन इजी सब्जेक्ट हो जाएगा ठीक है द इजी की जरूरत नहीं है सिंपली एन इजी कर दोगे आई कंसिडर जियोग्राफी एज एन इजी सब्जेक्ट द इजी की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक नहीं बता। अगला कहता है रश्मि एट द हॉस्पिटल डोंट शी आपने ये क्या है सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनेट ठीक है रश्मि के लिए प्रोनाउन क्या आएगा शी डोंट की जगह क्या आ जाएगा डॉ ठीक है डोंट की जगह क्या आ जाएगा डजेंट रश्मि वर्क एट द हॉस्पिटल डजेंट शी क्यों क्योंकि शी के लिए जो वर्ब आएगी वो क्या डज डॉजेंट इज करेक्ट रश्मि एट द हॉस्पिटल रश्मिटल शी आंसर आ जाएगा थर्ड ठीक है थर्टी सिक्स काव्या इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स इज एट इट अगेन क्वेश्चन टैग का सवाल है क्वेश्चन टैग हमने डिस्कस किया हुआ है कोर्स में जिन्होंने नहीं देखा है जरूर से देखिए बताइए सवाल का जवाब क्या होगा काव्या इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स आपने यह वाक्य लिखा है पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड यहां पर क्या आ आना चाहिए डिंट और काव्या के लिए आ जाएगा शी ठीक है तो आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड काव्या इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स नेक्स्ट शी थिंक एलेक्स इज अबेंडनिंग हर तो शी थिंक लिखा हुआ है थिंक क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है वाज़ थिंकिंग नहीं होगा थॉट नहीं होगा वॉस टू थिंक नहीं होगा आंसर हो जाएगा थिंक्स

एज वो फेज ऑफ लाइफ है जब आपको लाइफ वर्स आउटर साइड ऑफ द वर्ल्ड को प्रपोज किया जाता है या इंटरप्ट किया जाता है एक्साइट किया जाता है या प्रपोज किया जाता है क्या किया जाता है एक्सपोज किया जाता है तो आंसर आएगा एक्सपोज टू ठीक है सो टीन एज इज दैट फेज ऑफ लाइफ वेन यू आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड आउटसाइड आप प्रपोज नहीं किए जाते हो आप एक्सपोज किए जाते हो उट साइड ठी यू आर एक्सपोज टू दर्ल्ड ना कि वर्ल्ड द मैनेजर माई प्रोजेक्ट द मैनेजर आज मी इफ आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट तो आज मी लिखा हुआ है आपने इफ आज यानी पास्ट में है अगर ये पास्ट में है तो आगे भी पास्ट में ही रहेगा ठीक okay? है पास में ही रहेगा तो नहीं आएगा शैल नहीं आएगा हैल नहीं है, नहीं आएगा आंसर क्या होगा प्रोजेक्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी ओप्पू वॉज लाइंग इन बेड वेटिंग फॉर द सन हैविंग रोज बताइए क्या लिखा हुआ है कि बहुत सुबह इन द मॉर्निंग ओपू क्या कर रहा था बेड में लेट के वेट कर रहा था सूरज के उगने का हैविंग रोज का मतलब नहीं है कोई ठीक है हैविंग रोज नहीं आएगा वेटिंग फॉर द सन टू राइज सिंपल आंसर आ जाएगा टी पार्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी ओपू वाज लाइंग इन बेड वेटिंग फॉर द सन टू राइज ना कि हैविंग रोज टू राइज लिखा जाता है न्यूटन आफ्टर सीइंग द एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री फ्रॉम अ ट्री

तो एक बात ध्यान रखिए या तो वाक्य में इफ आता है या तो वाक्य में वंडर आता है दोनों का प्रयोग नहीं होता है ठीक है सॉरी वेदर आता है या इफ आता है दोनों का प्रयोग नहीं होता है. ठीक है तो ये तो हटाई दो बिगेन टू वॉन्डरिंग ये भी कोई मतलब नहीं है टू के साथ वह फर्स्ट आता है बिगेन हिज वॉन्डरिंग ये भी नहीं होगा तो क्या होगा बिगेन टू वॉन्डर तो कह रहा तो है न्यूटन जब सर के उसके सर के ऊपर एप्पल गिरा तो उसने स्टार्ट उसने यह सोचना शुरू किया बिगेन टू ये ऊपर नहीं गया ये नीचे ही क्यों आया उसने किया करना आयान टू वायव टूवर्ड्स द अर्थ एंड नॉट अपड्स द स्काई ठीक कह रहा है दे सर्व स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड एंड मोल्टेन चॉकलेट इन द बर्थडे पार्टी ऑफ सन पार्थ लास्ट वीक आपने लिखा लास्ट वीक यदि वाक्य में मैंने आपको बताया है कि यदि वाक्य में लास्ट अगो यस्टरडे इन सब का प्रयोग हो रहा है तो आप किसका यूज करोगे पास्ट इंडेफिनिट का ठीक है पास्ट इनडेफिनिट का तो सर्व नहीं आएगा टू बी सर्व नहीं आएगा आर सर्विंग नहीं आएगा क्या हो जाएगा सर्व खत्म बात तो दे सर्व स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड एंड मोल्ट इन चॉकलेट इन द बर्थडे पार्टी ऑफ दियर सन पार्थ लास्ट वीक्रीज रिसर्च ऑनग्रेटरी बताना है मीनिंग ऑफ रन ऑफ द मिल ठीक है क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन में इंप्रूवमेंट नहीं करना है इसमें आपको उसका मीनिंग बताना है कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ रन ऑफ द मिल मिल का मतलब होता है एवरेज मतलब बहुत ही साधारण है कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है तो आंसर आ जाएगा एवरेज ऑन द माइग्रेटरी पैटर्न ऑफ द बर्ड इज एवरेज ना कि इज रन ऑफ द मिल इज एवरेज विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है वो लिखना सही है पैंडमिक हैडमिक्स

मैनी के साथ में आता है प्लूरल और उसके साथ में आती है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यदि मैनी के बाद में आप लगाते हो आर्टिकल ए या फिर एन उसके बाद आप लगाते हो सिंगुलर सब्जेक्ट ठीक है मैनी के बाद आर्टिकल ए या फिर एन लगाते हो और उसके बाद आप लगाते हो सिंगुलर सब्जेक्ट तो उसके बाद आएगा आपका सिंगुलर हेल्पिंग बॉक समझिए आपने यहां क्या लिखा है अ थिंग्स तो अ के साथ क्या आएगा थिंग और उसके साथ में क्या आएगा वर नहीं आएगा थिंग्स नहीं आएगा वर नहीं आएगा आंसर इज थर्ड तो मैनी अ थिंग इज यूज फॉर द शो इट विल बी मैनी अ थिंग इज यूज फॉर द शो इफ आई हैंड इफ आई हैंड हर अ फ्लावर एंड से गिव इट टू मामा शी टेक इट टू हर मदर शी क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब तो यदि आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिख रहे हो तो भी क्या आना चाहिए में है. या क्या होगा? अपनी मदर के पास ले जाती है हैबिट बता रहे हो. तो आंसर क्या आ जाएगा आप उसकी हैबिट बता रहे हो इसलिए यहां पर टेक्स का ही प्रयोग हो होगा 47 बताइए इफ आई विल गेट गुड मार्क्स माय फादर विल बाय मी अ लैपटॉप बताओ बहुत सिमिलर क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं पिछले तीन वीडियो में लगातार सही क्या हो जाएगा मैंने आपको बताया है डबल फ्यूचर इज ऑलवेज अवॉइडेड पहली बात तो एक ही वाक्य में दो बार फ्यूचर का प्रयोग नहीं करेंगे दूसरी बात कि क्या है कंजंक्शन मैंने आपको बताया कंजंक्शन वाले वाक्य में विल का प्रयोग नहीं होता तो विल गेट नहीं आएगा क्या होगा इफ आई गेट ये करेक्ट है इफ आई गेट गुड मार्क्स माय फादर विल बाय मी आ सिंपल 48 एट कह रहा है ऋषि आज करण विल ही गेट अ न्यू फुटबॉल फॉर हिम क्वेश्चन आपको दिख रहा है नरेशन का है आज से शुरू है और आपने यहाँ पर विल का प्रयोग किया है आपको मैंने पढ़ाया है आप जब इस प्रकार के सवाल होते हैं तो आप यहाँ इफ लगाओगे उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे और वाक्य बनाओगे यानी कि इफ एज अ अंजन यूज करते हैं और उसके बाद वाक्य को हम एसर्टिव की तरह लिखते हैं ठीक तो इफ का प्रयोग होगा इसके अलावा ये पास्ट में है तो यहाँ विल की जगह क्या आ जाएगा वुड ठीक है तो विल नहीं आएगा वुड आएगा वुड इफ के साथ वुड नहीं आएगा विल नहीं आएगा ये भी नहीं होगा आंसर हो जाएगा फोर्थ तो ऋषि आज करण इफ ही वुड गेट अ न्यू फुटबॉल फॉर ठीक है ऋषि आज करेट अ न्यू फुटबॉल फॉर फोर्टी द न्यू चेयरमैन ऑफ द कंपनी अनाउंसड अट्रैक्टेड बोनस फॉर द एम्प्लॉइज ऑन द ओकेजन ऑफ द न्यू ईयर क्या लिखा हुआ अट्रैक्टेड बोनस कैसा बोनस अनाउंस किया अट्रैक्टिव बोनस होता है ना कि अट्रैक्टेड बोनस होता है अट्रैक्टिव इज द करेक्टेड एब्जेक्टिव अट्रैक्टिंग नहीं, नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा आंसर हो जाएगा थर्ड ठीक है द न्यू चेयरमैन ऑफ द कंपनी एन अट्रैक्टिव बोनस फॉर द अट्रैक्टिव बोनस होगा दे दैट ही इज नॉट गोइंग टू कॉल उन्होंने कहा कि वह उसे उन्हें बुलाने नहीं वाला है तो आपने यहां वाक्य में लिखा है सेड ये कैसा है पास्ट में आगे भी वाक्य किस में आएगा पास्ट में यहां यहाँ की जगह क्या आ जाएगा वॉज नहीं 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 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आर हैज आंसर फर्स्ट। के साथ में क्या प्रिपोजिशन यूज होती है टू इन इन नहीं होता इन नहीं होता टू नहीं टू के साथ आई नहीं होता आंसर इज फर्स्ट एवरी वन लाइक्स टू वॉच अ मैजिक शो ठीक है इन वॉच आएगा। If you need any help tomorrow, let him knows. Let के साथ क्या आता है Let के साथ होता है आपका सब्जेक्ट यहां पर दैट इज इन ऑब्जेक्टिव केस उसके बाद में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक इफ यू नीड एनी हेल्प टूमोरो लेट हिम नोज की जगह आएगा लेट हिम नो ठीक है लेट हिम नोज नहीं होगा लेट अस नोज नहीं लेट देम न्यू नहीं लेट मी नो लेट हिम नो नहीं होगा आंसर विल बी फर्स्ट इफ यू नीड एनी हेल्प मोरो लेट मी नो ठीक है द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी एंड हेल्पिंग कंट्रीज टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव क्या होगा डेवलपमेंट जो है स्किल्स में, में जो डेवलपमेंट है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है किसमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में और इकोनॉमिक ग्रोथ में किस प्रकार बाय इन्हेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हेंस करके तो आंसर हो जाएगा बाय एनहेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी ठीक है अबाउट इन्हेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होगा फॉर नहीं होगा बाय एनहेंसड नहीं होगा एम्प्लॉयबिलिटी में इन्हेंसमेंट करके ऐसा किया जा सकता है तो बाय इन्हेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी इज करेक्ट फिफ्टी फोर Helena लव्स टू डिग एंड प्लेड इन द डर्ट लाइक एनी अदर चाइल्ड तो लव्स के साथ में क्या आ रहा है टू डिग ठीक है तो यहाँ प्लेड की जगह क्या आएगा टू प्ले ठीक है तो टू प्ले दोबारा बार बार लगाने की जरूरत नहीं है सिंपली प्ले हो जाएगा तो इन हेलेना लव्स टू डिग एंड प्ले इन द डर्ट लाइक अदर चाइल्ड तो लाइक इन प्ले इन द डर्ट हो जाएगा ठीक है 55. I found my teacher's points casual and informal in the group discussion. Casual and informal के लिए इसमें से आपको uh, आप, इ, दूर दिख रहा है वो कौन सा सही है fair and square मतलब होता है honest. Flesh and blood मतलब होता है एक तरीके से human. Flesh and blood. ठीक है Put the bill मतलब बिल रखने के सेंस में आता है put the bill. आंसर आ जाएगा हमारा free and easy. ठीक है

ना कि पुश द बुशेस पुश इज द करेक्ट एक्सप्रेशन कि पुश द बुशेस फादर एंड वेंट अ लिटिल फार सॉरी पुश द बुशेस असाइड एंड वेंट अ लिटिल फार नेक्स्ट रमेश इज ओनिंग अ ब्यूटीफुल हाउस इन नोएडा देखिए वर्ब्स ऑफ पोजीशन वर्ब्स ऑफ पोजीशन जो होती हैं जैसे कि हैव या फिर ओन ये स्टेटिव वर्ब्स रहती हैं ये स्टेटिव वर्ब्स रहती हैं इनको आप कंटिन्यूस टेंस नहीं बनाते हो ठीक है आप इनको कंटिन्यूअस नहीं बनाते हो ठीक है स्टेटिव रहती हैं। तो इज ओनिंग की जगह क्या आ जाएगा ओन्स ठीक है वॉज ओन्ड नहीं हैज ओनिंग नहीं डिड ओन्ड नहीं Okay? In... So, रमेश हो रही है इसको कहने के लिए हमें कौन सा टेंस लगेगा प्रेजेंट इन कौन सा लगेगा? Present, continuous. Continuous action है, कोई present का, तो क्या लगोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस रेन नहीं आएगा Will be नहीं होगा शैल रेन नहीं होगा आंसर हो जाएगा रेनी वेरी हार्ड एंड अ वेरी लार्ज अम्ब्रेला वंडर इन द्लांट किंगडम द ग्रेट बनियान ट्री ऑफ द एजेसी बोर्स बोटेनिकल गार्डन एट सिबू शिवपुर इन हावड़ा ऑक्यूपाइज अक पोजिशन इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड ठीक है सो जो वंडर प्लांट है एक वंडर है इन द प्लांट किंगडम, द ग्रेट बनियान ट्री जो है ऐसा ऐसा उसने जगह बनाई है यूनिक पोजिशन इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ऑक्यूपाइज ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब सवाल आता है कि एन यूनिक होना चाहिए या आ यूनिक सही है आ यूनिक सही है या फिर एन यूनिक सही है वॉट इज द करेक्ट हेयर तो जब आप यूनिक को प्रोनाउंस करते हो यद्यपि यूनिक की शुरुआत आपकी वाउल से हो रही है लेकिन जब आप यूनिक को प्रोनाउंस करते हो तो कॉन्सोनेंट साउंड आता है जब आप यूनिक को प्रोनाउंस करते हो तो कॉन्सोनेंट साउंड आता है के केस में आप आर्टिकल ए का प्रयोग करोगे ना कि एन का तो एन वाला गलत है ऑक्यूपाइंग की जरूरत नहीं है बीइंग ऑक्यूपाइड की जरूरत नहीं है आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड ठीक है वंडर इन द प्लांट किंगडम द ग्रेट बेनियंट्री ऑफ द एजेसी बोज बोटेनिकल गार्डन एट सिद्धपुर इन हावड़ा ऑक्यूपाइजिक पोजिशन इन दर्ल्ड रिकॉर्ड इज करेक्ट साइमन इज अड ऑफ क्लोज स्पेसिस तो यदि कोई क्लोज स्पेसिस से डरता है तो उसे क्या कहते हैं हाइड्रोफोबिया पानी का डर है इकोफोबिया आसपासमेंट का डर है जीनोफोबिया होता है एक तरीके से जो भी आपके जैसा नहीं है आपके धर्म का नहीं है तो आपको उससे डर है आपकी लैंग्वेज का नहीं है तो जीनोफोबिया है आपके स्टेट का नहीं है तो जीनोफोबिक हो आप जीनोफोबिक कोई भी आपके जैसा नहीं है और आप उसे डर रहे हो आप उसे घृणा कर रहे हो तो उसे जीनोफोबिया कहते हैं बेसिकली जीनोफोबिया एलियंस यानी कि जो आपके देश का नहीं है उससे घृणा करने को उससे डरने को भी जीनोफोबिया कहते हैं क्लोज्ड स्पेसेस से डर लगने के लिए आता है क्लॉस्ट्रोफोबिया ठीक है क्लॉस्ट्रोफोबिया इज द करेक्ट आंसर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में हमने कवर भी कर रहा है

विच इज सिग्निफिकेंट जो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है जो आपकी आ, हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहां पर सिंपली जो वर्ड आता है वो आता है सिग्निफिकेंट आपको, यहाँ पर, आपको यहाँ पर को ही रिप्लेस करना था ठीक है आपको यहां पर पर्टिनेंट को ही रिप्लेस करना था पर्टिनेंट को रिप्लेस करने के लिए जो सबसे सही वर्ड है वो आपका सिग्निफिकेंट ही है ठीक है बात समझ में आ गई ठीक है तो यहाँ पर डिकेंट मतलब डीके से हो गया मेंडिकेंट मतलब एक ऐसे लोग ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपल जो कि मांगते खाते हैं उन्हें मेंडिकेंट कहते इज द बेस्ट डांसर इन दिटी राहुल की सिस्टर कहती है कि माई ब्रदर माई ब्रदर की जगह क्या आएगा हर ब्रदर पहली बात क्योंकि तो राहुल की सिस्टर कह रही है ठीक है तो हर ब्रदर आना चाहिए हिज ब्रदर नहीं आएगा ठीक है हर ब्रदर आपने इस प्रेजेंट में लिखा है तो आगे प्रेजेंट में ही रहेगा वॉज नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड तो राहुल सिस्टर से मैथमेटिक्स आर नॉट इजी टू लर्न मैथमेटिक्स क्या है नेम ऑफ सब्जेक्ट है और यहां पर आप उसे एज अ सब्जेक्ट ही ट्रीट कर रहे हो तो so, यहां आर नॉट की जगह क्या आ जाएगा इज नॉट इजी ठीक मैथमेटिक्स कई बार जैसे मैथमेटिक्स ऑफ ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इज और आर गिवेन बिलो टू वेन यू आर सेइंग मैथमेटिक्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इज और आर गिवेन बिलो हेयर यू मीन हेयर यू मीन कैलकुलेशंस ठीक है। वेन यू मीन कैलकुलेशन आप इज का प्रयोग नहीं करते हो आप आर का प्रयोग करते हो ठीक है तो इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको मैथमेटिक्स पॉलिटिक्स ये सारे वर्ड्स आपको करवाए हुए हैं तो जरूर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखिए यहां एज अ सब्जेक्ट मीनिंग था तो इज ही आएगा आई एम here एटी वन आपने सिंस नाइनटीन एटी वन लिखा है तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा I am here नहीं होगा आई हो है परफेक्ट टेंस एटलीस्ट आएगा परफेक्ट कंटिन्यूस की जरूरत नहीं है यहाँ तो वॉज हेयर नहीं आएगा हैड बीन बीन नहीं नहीं आएगा has been नहीं आएगा हैज आंसर विल बी थर्ड ठीक है तो टेंसेस चैप्टर जरूर पढ़िए जो कुछ कुछ चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी हैं उसमें से क्या क्या जो जो आ रहा है सबसे ज्यादा टेंसेस जरूर पूरी पढ़िए कंडीशनल सेंटेंसेस जरूर पढ़िए और आर्टिकल्स ठीक है ये तो जरूर से आप लोग कवर करिए बाकी क्वेश्चंस तो एडवर्ब के भी थे एडजेक्टिव के भी थे और आपके क्वेश्चन uh, आपके प्रीपोजिशंस वगैरह के भी थे बट ये तीन चर्च बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है द द ब्रिज दैट कनेक्टिंग टू वैलीज अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र रिवर हैज रिसेंटली बीन कंस्ट्रक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश प्रदेश वो ब्रिज जो दो वैलीज को कनेक्ट करता है एक फैक्ट बता रहे हो तो कनेक्टिंग की जगह क्या आ जाएगा दैट कनेक्ट्स

सबसे खराब था सबसे खराब था तो वर्स क्यों आएगा वर्स होता है कंपेरेटिव सिंपली क्या लिखेंगे आप वर्स्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वर्स्ट यू आर द ब्यूटीफुल वुमेन दैट आई हैव एवर सीन मैंने जितनी भी महिलाएं देखी हैं उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत हो तुम ऐसे ही बोलना पड़ता है तो ब्यूटीफुल की जगह क्या आएगा मोस्ट ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल गर्न लिखना गलत है ब्यूटी की लिखना गलत है ये भी गलत है आंसर इज मोस्ट ब्यूटीफुल यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन I have ever seen. This film is a non-stop riot that many cite as one of the funny film of all time. This is a non-stop, this film is a non-stop funny non-stop ride that many cite as one of the funny film of all time. funny. the funny Funniest. Funniest film of all time. I used a variety of sources to find the more cheap flight. तो फाइंड द मोर चीप फ्लाइट आप क्या लिखना चाह रहे हो और अधिक चीप फ्लाइट क्या कंपेरिटिव डिग्री लगाई दैन लगाया आपने नहीं सबसे ज्यादा फ्लाइट चाहिए नहीं तो सिंपली क्या हो जाएगा चीपेस्ट फ्लाइट आप लिखोगे चीपर फ्लाइट नहीं चीप नहीं चीप तो आई ऑफ सोर्सेज टू फाइंड द चीपेस्ट फ्लाइट सबसे सस्ती फ्लाइट ढूंढने की कोशिश करी चीपर अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे होते तो हिज क्लेम टू बी द स्मार्टली किड इन द स्कूल वॉज अट हाइपरबोल हाइपरबोल मतलब थोड़ा ओवर कहा बोलना ठीक है

तो दिस दिस इज इट फॉर वीडियो हमने इन वीडियो सीरीज में चार वीडियो की सीरीज में में हमने आ, 2023 में जितने भी एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए थे सारे ही कवर कर लिए सब कुछ कवर हमने कर लिया इस वीडियो सीरीज में तो आशा करते हैं जितना आपको पढ़ाया है समझ में आया होगा आपको चीजों से इससे क्लैरिटी मिली होगी ऐसे प्रैक्टिस सेशंस बहुत आवश्यक हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस एक ग्रामर के कॉन्सेप्ट को याद कैसे रखें याद करने का यही तरीका है भैया तो रिवीजन करो रिवीजन करने का तरीका प्रैक्टिस है प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन करिए नो मैटर वो क्वेश्चन एम के हैं या जीडी के हैं ये आवश्यक नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही है सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन टीयर टू में आते हैं सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सीजीएल टीयर वन में आते हैं ठीक है तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर एंड अ वेरी ग्रेट डे है थैंक यू सो मच बाय